हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लिपस्टिक का रिव्यू, और ये है ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर। तो आज की वीडियो में मैं इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसी है लिपस्टिक, क्या इसके बारे में सभी बातें, साथ ही साथ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये है कि इस लिपस्टिक को मैं ऑलरेडी दो बार ट्राई कर चुकी हूँ। पहला ये कि मैंने इसका वेयर टेस्ट किया था, और दूसरा ये कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार शूट कर चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैं दोबारा से ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि इसकी जो डायरेक्ट लिंक है मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर कर लें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस लिपस्टिक के प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये लिपस्टिक आउटर पैकेजिंग के साथ नहीं आती है और ये इसकी ओरिजिनल पैकेजिंग है। प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल जो है वो इस पे मेंशन किए गए हैं, लेकिन इस पे कहीं पे भी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं की गई है, जिसकी वजह से मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि देखने में काफी अच्छी लग रही है, साथ ही साथ ये पैकेजिंग क्लियर है, जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कि अंदर कौन सा कलर है। इसका प्राइस है 105 रुपीज, जिसमें आपको 6 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है, तो आप इसे इजिली यूज कर सकते हैं। शेड रेंज भी इस पे काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें कई सारे शेड आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो शेड आपको पसंद हो या फिर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाय कर सकते हैं। मैंने जो इसमें शेड बाय किया है वो है 10, जो कि अभी मैंने अपने लिप्स पे वेयर किया हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके टेक्सचर की, तो लिपस्टिक का जो टेक्सचर है वो काफी अच्छा है, बहुत क्रीमी है, एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होती है, और वन स्वाइप एप्लीकेशन है, क्योंकि इसका कलर पे ऑफ जो है वो बहुत अच्छा है। एक स्वाइप में ही आपको एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार अपने लिप्स पे लेयर बनाएं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्वाच की। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसका हैंड स्वाच शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसका जो लिप स्वाच है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है इसका हैंड स्वाच, जो कि आप देख सकती हैं कि लिपस्टिक का जो कलर है वो कितना ब्राइट है। अभी मैंने अपने लिप्स पे भी यही शेड वियर किया हुआ है। तो पहले इसका लिप स्वाच देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। तो आपने इस लिपस्टिक का हैंड स्वाच और लिप स्वाच देख लिया, आप बात कर लेते हैं इसके कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट की। तो देखिए, अभी तक मुझे इसका कोई भी माइनस पॉइंट नहीं मिला है, यहाँ तक कि कोई भी नहीं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्योंकि ये आउटर पैकेजिंग के साथ नहीं आती है, तो इस पे इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो मेंशन नहीं है, जो कि एक माइनस पॉइंट हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लिपस्टिक मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जो कि आउटर पैकेजिंग के साथ नहीं आती हैं, और उनकी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो पैकेजिंग पे नहीं मेंशन होती है। तो अगर आपको इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जाननी हो तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। तो मुझे ये कोई भी माइनस पॉइंट नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लस पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग 100 रुपीज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। एप्लीकेटर जो इसका है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एक बार इसका आप एप्लीकेटर बाहर निकालिए, आप पूरे लिप्स पे लिपस्टिक अच्छे से कोट कर पाएंगे, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, सेकेंड टाइम आपको डिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं लिपस्टिक के टेक्सचर की। लिपस्टिक का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है, मैट लिपस्टिक है, तो थोड़ा सा ड्राई आउट करती है लिप्स को, लेकिन थोड़ी देर के बाद, मतलब 1.5-2 घंटे के बाद।
तो उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। अगर आपको स्मूथ एप्लीकेशन चाहिए तो अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करके भी रखें, जिसकी वजह से आपके लिप्स का जो लिपस्टिक का एप्लीकेशन है वो स्मूथ रहेगा और आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज भी रहेंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट है इसका शेड, जो कि अभी आप मेरे लिप्स पे देख सकते हैं। और मैं अभी बेयर फेस हूँ, मतलब मैंने कोई भी बेस मेकअप अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है। और ये लिपस्टिक विद मेकअप विदाउट मेकअप दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये काफी डार्क कलर है जो कि हर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहे इसे डे टाइम में वियर करें या नाइट टाइम में वियर करें, दोनों के लिए ये परफेक्ट है। नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट है इसकी स्टेइंग पावर। देखिए, अगर आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करेंगी तो जब आप मील अपना फर्स्ट मील लेती हैं, मतलब चाहे लंच करें या डिनर करें या आप कोई भी ऑयली फूड लेती हैं, तो आपकी लिपस्टिक जो है वो फेड हो जाती है। तो सेम इसके साथ भी वही है, जब भी आप कुछ ऑयली फूड लेगी तो ये लिपस्टिक आपके लिप्स से फेड हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिप्स को स्टेन कर देती है। जो कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं अभी लिप्स वॉच जब मैंने आपके साथ शेयर किया तो मेरे लिप्स पिंक दिख रहे थे, वो इसी लिपस्टिक की वजह से, क्योंकि आज फर्स्ट हाफ में मैंने यही लिपस्टिक अप्लाई की थी, उसके बाद रिमूव करके उसे तब मैंने इसका जो लिप्स वॉच आपके साथ शेयर किया था, तो उसकी वजह से मेरे लिप्स जो थे वो काफी अच्छे से पिंक थे। तो वो चीज अगर आपने नोटिस की हो तो आपने देख लिया होगा। अब इसका एक प्लस पॉइंट और है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या ये लिपस्टिक वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है। तो देखिए, वाटरप्रूफ की बात ऐसी है कि अगर आप चाय कॉफी लेते हैं या पानी पीती हैं तो आपकी लिपस्टिक कहीं पे भी नहीं जाने वाली है, या फेस वॉश करती हैं नॉर्मल पानी से तो आपकी लिपस्टिक कहीं नहीं जाएगी। स्मच प्रूफ की अगर मैं बात करूं, एक बार आपकी लिपस्टिक जो है आपके लिप्स पे ड्राई हो गई, सेटल हो गई, तो उसके बाद स्मच नहीं होगी। अगर ट्रांसफर प्रूफ की बात करूं तो लिपस्टिक जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक अगर आप उसे टच करेंगी तो ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर लिपस्टिक आपके लिप्स पे ड्राई हो जाएगी उसके बाद ये ट्रांसफर नहीं होती है, जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये ड्राई होने में कितना टाइम लेती है, तो अप्रोक्स आपको एक मिनट लग जाता है, हालांकि एक मिनट से कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप एक मिनट पकड़ के चलिए। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये ब्लू हेवन ब्रांड से है, जिसके प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होगा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ब्लू हेवन से यूज किया होगा तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि ब्लू हेवन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो कि काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। फिलहाल अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उनका जो आई शेडो पैलेट है उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, फाउंडेशन है उसमें से भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, यहाँ तक कि जो नॉन ट्रांसफर लिप कलर आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसमें से भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, लेकिन इस लिपस्टिक में से कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती है। बहुत हल्की सी, मतलब स्मेल तो है, ऐसा नहीं है कि स्मेल नहीं है, है स्मेल, लेकिन जब आप इसका एप्लीकेटर निकाल के इसे स्मेल करते हैं तभी आएगी, लिप्स पे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ कि मैंने हैंड पे अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी नहीं आ रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये तो हुई सारी बातें मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ शेयर कर दी है। अगर मैं बात करूं फाइनल वर्ड की, तो फाइनल वर्ड यही है कि 100 रुपीज में आपको एक बहुत अच्छी लिपस्टिक मिल रही है, और इसमें से मैं और भी शेड जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे इस लिपस्टिक की पैकेजिंग, प्राइस, फॉर्मूला, मतलब शेड सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आपको ये शेड कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप में से किसी ने इस लिपस्टिक को ट्राई किया हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, होप मेरे ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अब भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस लिपस्टिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उनके आंसर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, होप मेरे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।